तो दोस्तों, क्या आपके भी मन में ये सपना है कि हम जो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लें? तो आइए हम आपको आज कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ले चलते हैं। इसका चैम्बर किस तरह से है, कितना बड़ा ये कॉलेज है, इसका किस तरह से फैसिलिटी रहता है, सारा चीज़ आपको शेयर करेंगे। तो देखिए, इस तरफ जो है अंदर जाने के लिए गेट है, और जब भी अंदर जाइएगा तो ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि बगल में ही जो है सारा चीज़ का मतलब कक्ष बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कक्ष है देख रहे हैं छात्रवृत्ति का, कला एवं विज्ञान विभाग अलग है, यानी कि आर्ट्स और साइंस वाले के लिए अलग है, कॉमर्स क्षेत्र एक अलग है, वाणिज्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं। और देख रहे होंगे कितना सारा भीड़ है, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे अपने एडमिशन के लिए आए हैं, या मतलब यहाँ पे जिनका भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है इसी के लिए जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग जो हैं इसमें अगर आना चाह रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि आने के लिए भाई ये जो है राजेंद्र नगर जो टर्मिनल है उसी के ठीक सामने है, तो इसका लोकेशन ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी आप बोल सकते हैं कि राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास जाना है, ठीक है। वहाँ पे आने के बाद आप अगर पूछते हैं कि भाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस वाला जो है कॉलेज कहाँ पे आपको मिलेगा, तो वो जो है भली भांति आपको परिचित करवा देगा कि जो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स का चैम्बर कहाँ पे है। वैसे हम बता दें, ये जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जहाँ पे है उसी के बगल में ही है, जो कि बड़ा वाला पुल के पास जो है हमारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, उसके राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने ठीक जो है ये हमारा कॉलेज ऑफ कॉमर्स पड़ता है, जो कि आप लोग चैम्बर देख रहे होंगे अच्छा खासा ही बनाया गया है। ये देख रहे होंगे हमारा जो है बिल्डिंग में हर तरह का जो है ऑफिशियल वर्क के लिए बनाया गया है। इस तरफ जो है पार्किंग कर रहा है सब लोग, जो कि अपना गाड़ी लाता है तो मतलब यहाँ पर लगा सकते हो। तो हर चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है किस तरह से भ्रमण कर रहे हैं ताकि जो है भाई ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। और इस तरह से जो है भाई आप लोग जो है इसमें देख रहे होंगे इतना बड़ा कच होने के कारण जो है भाई आप लोगों को ये मतलब बेनिफिट्स मिल जाएगा कि कभी भी आएंगे तो भीड़ महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी आदत है कि भाई अकेले रह जाए, अकेले रह करके कोई काम करें, तो आप इतने बड़े कच में कहीं पर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बाहर से जो है नज़ारा आप लोगों को देखने को मिला है, अंदर से जो है ये पूर्ण रूप से खाली है। आप लोग देख रहे होंगे इस तरफ जो देख रहे हैं हमारा एक तरह से स्टेज बनाया गया है। स्टेज इसलिए बनाया गया है भाई कि कभी कभी जो है सेमिनार वगैरह होता है तो उसके लिए जो है भाई बड़ा जो है एक फ्लैट मतलब रखने पड़ता है, जिसके चलते जो है भाई हमारा जो है बिल्डिंग का मतलब सही उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये जो बाहर का स्थान था, इसी बाहर के स्थान पे जो है भाई ये जो है स्टेज बनाया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा जगह यहाँ पे है। और इसी जगह पे जो है कई लोग जो नेता वगैरह जो भी आते हैं काम यहाँ पे करते हैं, जो भी भाषण वगैरह देते हैं, जो कि आप लोग यहाँ भली भांति देख रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते देखते हैं भाई कि आगे का जो है किस तरह से नज़ारा है। और जब भी आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देख रहेंगे नज़ारा और ही बेहतरीन होने जा रहा है, और बहुत ही बेहतर लगता है भाई जब इस तरह से जो है पढ़ने वाले लोगों के लिए जो है कॉलेज का जो है व्यू दिखाते हैं और इसका वीडियो बनाते हैं। तो हमें लगता है दोस्त कि ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ज़रूर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चाह रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी भाई। अगर चाह रहे हैं हमेशा किसी तरह से अपडेट मिलते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेनिफिशियल साबित आपको भी हो, ये इंफॉर्मेशन अच्छा लग ही रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो है हमारा लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, इसके अंदर जाइएगा तो हो सकता है कई लोग के लाइब्रेरी कार्ड बनवाने पड़ता है ताकि जो है भाई उसका जो है आइडेंटिटी कार्ड मिले, तो लाइब्रेरी कार्ड भी मतलब यहाँ से बना सकते हैं आकर के, जो पुस्तकालय में है बहुत सारा पुस्तक है यहाँ पे, हर तरह का डिग्री के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं हमारा लास्ट सेक्टर यानी कि जितना भी नियम कानून का सेक्टर है यहाँ पे ही है, आर्ट्स वाले सेक्टर में। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्डिंग किस तरह से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को नज़ारा दिखाते जाते हैं। जो है हमारा जो है गाड़ी पार्किंग के लिए तो दिक्कत है ही नहीं, ये रोड पर होते हुए भी बहुत ज़्यादा मतलब जगह जो है दिया है, जो कि आप पार्किंग लगा सकते हैं ना आसानी से,
कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो है इस वीडियो के जरिए देख ही रहे होंगे। बात करें भाई तो ये जो है हमारा ग्रेड ए शायद माना जाता है हमारा पटना के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कॉलेज में, और उसके बाद जो है ग्रेड बी लोग बोलते हैं कि TPS कॉलेज है, तो ग्रेड ए है। तो ग्रेड ए जैसा है भी इसका चैम्बर, क्योंकि भाई हर जगह घूमे तो हर जगह का फीडबैक अलग अलग रहा है, लेकिन सबसे अच्छा जो है पर व्यवस्था जो भी है यहाँ पे लगा। इसके अलावा जो है RKD में भी हम गए थे, RKD कॉलेज जो था उसका जो है डिसिप्लिन वगैरह बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन के नाम पर ही हम जो है उसको रेटिंग बहुत अच्छा दिए, और ये तो भाई कहना ही नहीं है भाई इसका रेटिंग कुछ अलग ही रहेगा, क्योंकि ये जो है बड़े लोग की बड़े बातें हैं, ठीक ना। ये इस तरफ जो है कुछ मतलब फार्मिंग का भी काम हो रहा था भाई, फार्मिंग करने का मतलब है भाई हो सकता है कि इसी चीज़ के लिए पिंजरा बनाया गया है, इसमें जो है पालन का काम होता होगा। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा जो है यहाँ का विधि व्यवस्था बनाया गया है दोस्तों, सारा चीज़ तो हम लोग देख लिए। लेकिन आपको ये बता दें कि कई बार जो है आप आते हैं बहुत दूर से आने पड़ जाता होगा, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी का मतलब है कि हम लोग जो है दूर में ही कई बार लिखा लेते हैं, तो क्या होता है खाने पीने की व्यवस्था में जो है बहुत तकलीफ होती है, खाना पीना जो है मतलब अच्छी ढंग से नहीं मिल पाता है। तो इस कॉलेज में हम देखे, हर कॉलेज में गए थे कोई ना कोई ये कमी रह ही जाता है, लेकिन यहाँ पे देखे भाई जो है खाना को उचित प्रबंध किया गया है। खाना जो है खास करके यहाँ एक कैंटीन बनाया गया है, जो कि आप लोग के हम दिखा दे रहे हैं कि हमारा जो है कैंटीन किस तरह से यहाँ पे है। तो आप लोग अगर बात करें तो हमारा जो है कैंटीन के, तो कैंटीन जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बना था, जो कि आप लोग नॉर्मल रेट जो देखते हैं हर जगह उसी तरह से यहाँ भी रेट मतलब देखने को मिला था जब हम जो है कैंटीन में प्रवेश किए थे। उसके बाद जो है एक टोकन लेना पड़ा था, और टोकन के बाद जो भी आपका मर्जी है आप जो है वहाँ से खरीद सकते हैं जो भी खाना हो। तो आप लोग कैंटीन में भी इन कर सकते हैं, इन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है कैंटीन का क्या नज़ारा होना चाहिए। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि ठंडा पानी के लिए हर विधि व्यवस्था किया गया है, जो कि देख रहे होंगे इस बिल्डिंग के अंदर में है जो अभी आप देखें, और यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा बोर्ड टंगा हुआ है कि कैंटीन चालू है भाई। तो ये कॉलेज कैंटीन है खास तरह के, इसके लिए जो है भाई ये जो है कुछ रुपया पैसा भी पे करते होंगे, बट इनका जो है बहुत अच्छी तरह से कैंटीन चलती है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ का बर व्यवस्था किस तरह से है। यहाँ पे जो देख रहे होंगे हमारे बहुत सारे लोग जो है आ करके खाना खाएं और जो है अपना मतलब बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, क्योंकि बैठने के बाद जो है भाई पंखा के अंदर बैठने का मतलब है कि बेहतर ढंग ही मिल जाता है। इस तरफ देख रहे होंगे हमारा जो है फ्रिज वगैरह है जिसमें हमारे ठंडा चीज़ रखा हुआ है, अगर गर्मी में जाते हैं तो आप लोगों के लिए तो बेनिफिशियल साबित होगा ही होगा। और दोस्तों बगल में देख रहे होंगे हमारा जो है पानी का भी बड़ी व्यवस्था किया गया है, जो कि भाई लोग अगर कभी प्यासे होते हैं तो उनको ये ज़रूरी पड़ता है। और आप लोग को बता दें कि ये जो है हमारा मेनू चार्ट दिया गया है, इसमें जो है बहुत सारा चीज़ बताया गया है जो कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, आप खरीद सकते हैं। तो चलिए ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, आप लोग भी भाई आइए। तो सबसे पहले अगर कहीं पे अगर आप लोगों को पानी नहीं मिलता है तो आप इस पे आकर के रेस्ट भी ले सकते हैं, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, ऐसा कुछ नियम है यहाँ का, ठीक ना। अगर जगह रहेगा तो आप आकर के पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो देखिए लोग जो है यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं, और ये जो है टोकन काउंटर था, तो चलिए बाहर चलते हैं।